हेलो एवरीवन दिस आई डॉक्टर एस ए सिंह तो अभी अभी बहुत ही बड़ी न्यूज़ ये आ रही है द टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है नीट यूजी एंड दिस इज़ इंडिकेट आर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो ये अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिकेट कर रहे हैं तो ये बहुत एक बड़ी बात है और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया इसे कवर कर रहा है तो और बड़ी बात हो जाती है और ख़ासकर इनका नाम अगर आप जान रहे होंगे तो इन्होंने काफ़ी कुछ कवर किया है नीट यू के सेक्टर में और ये आज ही का न्यूज़ है है ना ये आज ही का न्यूज़ है तो ये तीनों चारों चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं ये इतना इम्पैक्टफुल डालेगी आपके नीट 2025 के ऊपर अगर एग्ज़ाम सी सी बी टी मोड में हो जाता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है तो इसका क्या इम्प्लीमेंट होगा और क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा बट इस वीडियो को बनाने का ये टारगेट है कि सिर्फ़ आपको सूचित करना नहीं है आपको थोड़ा जागृत भी करना है ताकि आप अभी से ही अवेयर हो जाएं। अभी तक हमने जब तक जब से आपने हो संभाला होगा या मैंने भी इवन तो नीट सिर्फ एक पेपर और पेन मोड पे होता था जो ओ को भरा जाता था और उसके हम बहुत प्रैक्टिस करते थे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लेते थे ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते थे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का वहाँ जाके ओ एम आर शीट पर प्रैक्टिस करते थे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि पेपर ऐसे ही होता था तो हमें प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना होता है बट अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन बदलना पड़ेगा तो दिस इज़ नॉट ओनली द नोटिफिकेशन वीडियो दिस इज़ ऑल्सो वन एंड मतलब इंडिकेट कि आपको अपनी प्रिपरेशन में और क्या एड डाउन करना चाहिए जैसे नीट 2025 में आप बेहतर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए तो अगर सी बहुत कयास लगाए जाते थे इवन जब 2024 का रिजल्ट आया था तो आपने देखा होगा कि उसमें कहा जाता था कि कुछ पेपर आपको सी देना है कुछ पेपर आपको ऑफलाइन मोड देना है पहले हम ऑफलाइन लेंगे ऑफलाइन में है ना कुछ क्राइटेरिया रख लेंगे उसमें से जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे उनको कंप्यूटर पे बैठाएंगे वहाँ पे टेस्ट लेंगे एंड देन फाइनलाइज द रिजल्ट अभी ये पूरा का पूरा क्लियर आउट नहीं हो पाया आइए समझते हैं तो स्पीकिंग एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया से जब बात हुई है ना तो प्रधान सेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डेवलप्ड इन द कंसल्टे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए ये तो कन्फर्म हो चुका है कि एन ही एग्ज़ाम लेगा एंड न्यूली फॉर्म थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग द ग्रुप लेड टू फॉर्मन इंडियन स्पेस रिसर्स सेंटर इसरो चीफ राधा कृष्णन इनको बनाया गया है ताकि आप पूरी चीज़ों को देखिए मॉनिटर करिए और एन को बेहतर बनाइए और हमारे बच्चे के फ्यूचर को बेहतर बनाइए इसलिए उनको अपॉइंट किया गया है द द ग्रुप इज़ एडवाइजिंग द मॉनिटरिंग द एन टी एंश्योर द रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस तो राधाकृष्ण कमेटी ने कहा है कि कमेटी है जो इसरो की कमेटी है दे स्टाब्लिश द रिस्पॉन्स टू द नीट पेपर लीक एलिगेशन एंड प्रपोज ट्रांसफॉर्मेटिव रिकमेंडेशन एंड द की अमंग फेजिज शिफ्ट ऑनलाइन टेस्टिंग माइग्रेट सिक्योरिटी रिक्स एंड एसोसिएटेड विद द पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन राइट इन्होंने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन को डिजिटली ट्रांसमिटेड किया जाएगा जिससे लीक होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे एंड रेस्पॉन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पेपर राइट द अप्रोच वुड बी बिथ रिड्यूस द फिजिकल हेल्पिंग क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन एंड वनरेबल टू प्रिंटिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेज ये सारी चीज़ बात हुई है एंड ही सेड वी वी स्टार्टेड द इम्प्लीमेंट ऑफ द कमिटी रिपोर्ट एंड मैंशनिंग द ग्रुप हैज़ बिन सेटअप विल बी कंटिन्यूस एडवाइजरिंग द एन टी ए है ना और नीट ही सेड हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी क्लाइंट्स एंड बीइंग कंसल्टेड द सजेशंस ये सारा चीज़ है तो आप समझ सकते हैं कि, कि कितना बड़ा चीज़ ये होने वाला है और यहाँ पे फाइनली ये बताया गया है कि वी आर ऑल लाइक हुड मूविंग टूवर्ड द सी बी टी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो क्या आपको सतर्क सतर्कता बरतनी है और कैसे अपने मूड को प्रिपरेशन करना आइए मैं दो शब्द में बताता हूँ तो सबसे पहले क्या करिए कि देखिए ऑफलाइन अगर आपने टेस्ट ज्वाइन किया है तो आप उससे एडमिशन मत कैंसिल कराइए आप करिए साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट की आदत डाल लेनी चाहिए ऑनलाइन टेस्ट देना अब ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है है ना ऑनलाइन टेस्ट हमारे अकेडमी पर होता है आप आके क्लिक करेंगे ए बी सी डी ऑप्शन आएगा और आप सबमिट करेंगे तो आप ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कैलकुलेट करके दे देगा तो आप डायरेक्टली अभी तो मॉक टेस्ट ये हो उसका होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा बट उसके पहले आप मेरी क्लास में आके इसका मज़ा ले सकते हैं मेरे क्लास जो होती है अन अकेडमी के ऊपर होती है जो पोल बेस रहता है बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम पैटर्न पे, पे होगा आप ए बी सी डी पोल दबाएंगे और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपने सही आंसर किया है कि नहीं और डेली क्लास होती है सुबह आठ बजे और शाम को साढ़े चार बजे संडे को छोड़ के तो आप मेरी क्लास में आ सकते हैं और सारे क्वेश्चन हम मैज द फॉलोइंग एसोसियो रीजन इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो काफ़ी प्रोडक्ट प्रोडक्टिव है तो ऑनलाइन टेस्ट आप शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए साथ में ऑफलाइन भी करिए इसको छोड़िए मत बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको अवेयर करना कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना शुरू करें और मेरी क्लास में आना शुरू करें अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपके गाइडेंस में पढ़ना चाहता हूँ अपने रिज़ल्ट को सुनिश्चित करना चाहता हूँ तो अभी इन अकेडमी पर ऑफर भी चल रहा है टू नाइन नाइन में आप कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा सकते हैं और आप मेरी गाइडेंस में आके पढ़ाई कर सकते हैं देखिए सारा चीज़ वही रहता है एन सी आर टी रहता है पढ़ाने वाला सेम रहता है बट सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो सिलेक्शन इज़ ओनली डिटरमाइंड द मैंटोरशिप आपको मेंटर कौन कर रहा है और डॉक्टर के गाइडेंस में रहेंगे तो डॉक्टर जरूर बनेंगे जो कोड में लगाते हैं उनको इस एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप मिलता है और अभी हम 50 पार तैयारी दमदार उड़ान होने वाला 6 बजे आप सब आइएगा नवंबर में अन अकेडमी नीट के ऊपर ये लाइव चलेगा थैंक यू सो मच